हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं दोपहर में जा रही थी सिलाई का काम करने के लिए, जैसे कि मेरे पास एक साड़ी था जो ख़राब हो चुका था, तो मैं जा रही थी उससे दुपट्टा बनाने के लिए। और दूसरा मैं क्या करूँगी, मुमू का लहंगा बना दूंगी उससे। तो मैं ये करने जा रही थी क्योंकि दोपहर में ही हम औरतों को टाइम मिल पाता है, तो घर का सारा काम हो चुका है और मुमू सो रही है। तो मुमू का यहीं पर एडमिशन हो चुका है स्कूल में, तो मुमू स्कूल से आकर सो चुकी है क्योंकि मुमू सुबह में स्कूल जाती है, 6:30 से रहता है उसका। और अनन्या का खाना भी हो चुका है, अब वो जाएगी ट्यूशन पढ़ने के लिए, तब तक मैं जाऊँगी सिलाई करने के लिए। तो मेरे वीडियो खत्म, बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं साड़ी लेकर यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और घर का काम हो चुका था सारा। तो ये साड़ी काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो सोची कि मैं इसका दुपट्टा बना देती हूँ। और ये पिंक कलर भी था, अच्छा लग रहा था थोड़ा, और पिंक कलर काफ़ी पे चल भी जाता है सूट वगैरह पे। तो मैं क्या करूँगी, इसे दुपट्टे के नाप से कट कर लूँगी यहाँ पे, और जो उसका बॉर्डर है उसका मैं बना दूँगी दुपट्टा मुमू का, या तो कुछ लहंगा वगैरह उसका बना दूँगी। तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, टाइम उतना नहीं रहता है दोपहर में, मतलब बहुत सारे दोपहर में काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मशीन लेकर आ चुकी हूँ और सिलाई करना स्टार्ट कर दी हूँ यहाँ पे। तभी मिस्त्री जी आ गए और यहाँ पर ये टाइल्स वगैरह निकल गया था और बेसिन के पास भी निकल चुका था, तो वो काम कर रहे थे। तो मैं बोली कि यहाँ का भी ठीक कर दीजिए आकर। तो यहाँ पे हो रहा है टाइल्स का काम और अनन्या बना रही है इन लोगों के लिए चाय। तो अनन्या अभी इतना कुछ कर लेती है कि हाँ, चाय वगैरह बना लेती है, कोई आ जाते हैं तो वही चाय बना रही है, साथ में मेरे लिए भी बना रही है। तो ये मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि ये टाइल्स बहुत पुराना हो गया, मतलब काफ़ी जूना हो गया है, तो आप कुछ नया लगवा लीजिए। मैं बोली बाद में लगवाऊंगी, पहले सारे घर का काम हो जाए अच्छे तरह से, तभी लगवाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दुपट्टा सिल भी ली हूँ अच्छे तरह से, तो मैं अभी पहन कर दिखाती हूँ। और मुझे भी चाय मिल चुका है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे ब्लैक वाले सूट पे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर ब्लैक सूट है और पिंक दुपट्टा हो गया, पिंक लेगिंग्स हो गया तो अच्छा लगता है। और साथ में मैं यहाँ पे कर रही हूँ मुमू के लिए खाना निकाल रही हूँ। मुमू को सोकर उठ गई थी, तो मैं बोली खाना निकाल के दे देती हूँ उसे। तो मुमू को सिर्फ दाल चावल चाहिए था, थोड़ा सा डाल दूँगी घी। उसके बाद मैं चली आऊँगी छत पर, थोड़ा काम करना था छत पर फूल वगैरह का। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे मिट्टी वगैरह, ये खुरपी नहीं की थी, इसे खुरपी बोलते हैं, तो मिट्टी को ऊपर नीचे करना था। और अनन्या का भी ट्यूशन आज 5 बजे से था, तो मैं सोची कि हम लोग जाकर ऊपर थोड़ा कर लेते हैं कुछ काम। तो अभी नया नया ही पेड़ पौधा मैं यहाँ पे लगाई हूँ, ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं है। और जितने आप पॉट देख रहे हैं वो सब पॉट नहीं है, वो सब पेंट का डब्बा है। और जितने डब्बे वगैरह थे सबको मैं यूज कर रही हूँ, बाद में क्या करूँगी सब में मैं कलर कर दूँगी यहाँ पर। तो अभी तो लगा रही हूँ पेड़ पौधा, बाद में कलर भी करूँगी इसमें। तो अभी केला का पौधा लगा है, उड़हल का लगा है, और बाकी बिया वगैरह जो होता है, बीज वगैरह, वो सब डाल चुकी हूँ, लेकिन पौधा अभी उतना बड़ा बड़ा नहीं हुआ है। और अनन्या पानी लेकर आ रही है सब में डालने के लिए। तो देखिए इस तरह से छत पर आकर भी थोड़ा बहुत काम भी हो गया यहाँ पर। बस यही ब्लॉगिंग था कि मैं आज क्या क्या कर रही थी। तो दोपहर में तो एक्स्ट्रा ही काम होता है, जैसे कि हो जाता है सिलाई,
फिर ऊपर आई छत पे 4-5 बज रहा है तो थोड़ा गार्डनिंग वगैरह हो गया। तो अभी जस्ट नया नया पौधा लगाई हूँ तो पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा छोटा है, अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा। जैसे ही बड़ा होगा तो ज़रूर मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी मेरा पेड़ पौधा कितना बड़ा हुआ और कैसा कैसा है। तो बस आज का यही ब्लॉगिंग था, फिर से आपसे मिलती हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ और नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय।